हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये अगला टॉपिक है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर का अपक्षय होना, यानी कि ओजोन लेयर का जो घटना होता है धीरे धीरे, जो क्षय हो रहा है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक है। इसको हम ओजोन होल या फिर ओजोन छिद्र भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ओजोन लेयर डिप्लेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर क्या है। ये मैंने जब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जब आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ओजोन लेयर के बारे में बताया था कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर के पार्ट होते हैं, जो लेयर्स होती हैं, उनमें जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है, तो स्ट्रेटोस्फियर लेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। तो जो कि जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है ओजोन की, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। मतलब जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पे ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर का काम होता है कि जो सन से रेडिएशन आ रही होती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन आ रही होती हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए ही हार्मफुल होती हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है वो हमको प्रोटेक्ट करती है, तो यही ओजोन लेयर का काम है। तो धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है इसका डिप्लीशन हुआ जा रहा है। डिप्लीशन मतलब अपक्षय हुआ जा रहा है। धीरे धीरे जो है ये घटती जा रही है, कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे आती जा रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये होता किसकी वजह से कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो उनके रिलीज़ होने की वजह से ये ओजोन लेयर में डिप्लेशन होता है। क्योंकि जब केमिकल कंपाउंड रिलीज़ होते हैं तो वो उनमें जो है ब्रोमीन और क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ब्रोमीन और क्लोरीन एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये ओजोन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो ओजोन से जब कांटेक्ट करते हैं तो उनके जो ओजोन मॉलिक्यूल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो ओजोन मॉलिक्यूल हैं वो कम होते जा रहे हैं, और कम होने की वजह से लेयर जो है वो पतली होती जा रही है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में कई सारी जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनमें जो है क्लोरीन और ब्रोमीन पाए जाते हैं, जैसे CFC हो गई, CCl4 मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए, हाइड्रोक्लोरोकार्बन हो गया, इसी तरीके से जो ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो मिथाइल ब्रोमाइड हो गए, हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन्स हो गए, तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं से ही जो क्लोरीन और ब्रोमीन एटम जो होते हैं वो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये तो था ओजोन लेयर डिप्लेशन। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि द ओजोन लेयर इज़ द रीज़न इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर दैट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। मतलब जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर वाले लेयर में पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा इसकी ओजोन की कंसंट्रेशन होती है, एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मतलब जो ओजोन लेयर है वो हमको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से, जो सन से रिलीज होती हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन या फिर ओजोन होल भी इसको बोलते हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन में क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ अ ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग गैसियस ब्रोमीन और क्लोरीन फ्रॉम इंडस्ट्रीज और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे जो लेयर है, ओजोन लेयर है, उसका पतला होना, जो लेयर है ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। किसकी वजह से, जो इंडस्ट्रीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से रिलीज़ हुए केमिकल कंपाउंड्स जिनमें ब्रोमीन और क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं। व्हेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर कम इन कॉन्टेक्ट विद ओजोन एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल। मतलब जब ये क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स हैं वो एटमॉस्फेयर में आते हैं और एटमॉस्फेयर में आके ओजोन से कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस दैट कंटेन क्लोरीन इंक्लूड CFC, CCl4, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, वेयर एज द सब्सटेंस दैट कंटेन ब्रोमीन आर मिथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमो फ्लोरोकार्बन। मतलब जिनमें क्लोरीन प्रेजेंट होती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, और जिनमें ब्रोमीन प्रेजेंट होती है वो हैं मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रो
ब्रोमो फ्लोरो कार्बन, जिनकी वजह से ओजोन लेयर जो है की जो है थिनिंग होती चली जा रही है। तो जो धीरे धीरे जो उनकी थिनिंग हो रही है, धीरे धीरे जो पतले होते चले जा रही है लेयर, उसको बोलते हैं हम ओजोन लेयर डिप्लेशन या फिर ओजोन होल। इसके बाद ये है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, और ये इनके सोर्सेज हैं, मतलब स्रोत की कहाँ से ये गैसेस जो हैं वो या केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर, AC, ड्राई क्लीनिंग एजेंट हैं, इनसे रिलीज़ होती है। हेलोन्स, हेलोन्स जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं उनसे रिलीज़ होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो भी फायर एक्सटिंग्विशर से लगे रहते हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, जो कि एडहेसिव, एडहेसिव से मतलब जो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे फेविकोल हो गए तो ग्लू वाली चीज़ें, उनसे रिलीज़ होते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो क्लीनिंग सॉल्वेंट होते हैं, जो सफाई वफाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्लीनिंग सॉल्वेंट हो गए और फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, उनसे रिलीज़ होते हैं। तो ये तो हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है कि कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो क्या क्या ओजोन लेयर से इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल्स पे, प्लांट पे, सभी पे जो है इनका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो यूवी रेज आती हैं सन से वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, द ह्यूमन विल बी डायरेक्टली एक्सपोज टू हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। मतलब जो ह्यूमंस हैं वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं यूवी रेज के, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाता है जहाँ पे ओजोन होल हो गए, तो डायरेक्ट सन से जो रेडिएशन है वो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ह्यूमंस आ जाते हैं। दिस माइट रिजल्ट इन हेल्थ इशूज सच एज स्किन डिजीज, कैंसर, सनबर्न्स एट्सेट्रा। मतलब जो स्किन कैंसर हो जाते हैं, स्किन की डिजीज हो जाती है, सनबर्न्स हो जाते हैं, तो वो जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है उसी की वजह से, क्योंकि जो यूवी रेज हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लोग पहुंचते हैं। इफ़ेक्ट ऑन एनिमल्स, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन लीड्स टू स्किन एंड आई कैंसर इन एनिमल्स। मतलब जो एनिमल्स हैं वो भी डायरेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनको भी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन के कैंसर और आई कैंसर एनिमल्स में भी हो जाते हैं। इफ़ेक्ट ऑन द प्लांट्स, इफ़ेक्ट ऑन द प्लांट्स में जो स्ट्रांग यूवी रेज होती हैं वो क्या करती हैं कि प्लांट की ग्रोथ को कम कर देती हैं, मिनिमाइज प्लांट ग्रोथ, उनकी फ्लावरिंग जो है वो रुक जाती है, और उनकी फोटोसिंथेसिस जो है वो भी कम हो जाती है। तो ग्रोथ हो गई, फ्लावरिंग हो गई, फोटोसिंथेसिस हो गई, इन पे सब पे ही प्रभाव पड़ता है ओजोन लेयर डिप्लीशन का, क्योंकि यूवी रेज जो है वो उनकी ग्रोथ नहीं होने देती हैं और फ्लावरिंग भी नहीं होने देती हैं, और उनके जो मेन काम होता है प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस करने का, तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो भी उनका कम होने लगता है। तो ये तो था ओजोन लेयर डिप्लेशन, उसमें इफ़ेक्ट बता दिए मैंने आपको, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक टॉपिक और आता है, वो है एसिड रेन, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, तो उसको भी बता देती हूँ। एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा, तो नाम से ही समझ में आ गया कि अम्ल की वर्षा होना। तो ये एसिड रेन होने का रीज़न ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या करती हैं, रेन वाटर के साथ रिएक्शन करने लगती हैं। तो सल्फर नाइट्रोजन जब रेन वाटर के साथ रिएक्शन करने लगती हैं तो वो H2SO4 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाने लगती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के साथ में वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलके बारिश के साथ आने लगते हैं, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कहीं पे भी अगर एसिड गिरेगा तो वो प्लांट पे भी इफेक्ट करेगा, ह्यूमंस पे भी इफेक्ट करेगा, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि व्हेन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिएक्ट्स विद रेन वाटर एंड कम डाउन विद द रेन, देन दिस रिजल्ट इन एसिड रेन। मतलब जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक पदार्थ हैं, तो जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर हो गए, तो वो क्या करते हैं, रेन वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो रेन के साथ में आते हैं, और उसी को हम बोलते हैं अम्ल वर्षा, यानी कि एसिड रेन। एसिड रेन इज़ मेड अप ऑफ हाईली एसिडिक वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू एयर इमिशंस, सल्फर एंड नाइट्रोजन इमिटेड बाई व्हीकल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रीज़ हैं या व्हीकल्स हैं, उनसे निकले हुए जितने भी टॉक्सिन्स हैं,
तो उन्हीं की वजह से ये सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो जाके एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और एयर के साथ मिक्स होने के बाद वो वाटर रेन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद वो एसिड रेन को बना देते हैं और अम्ल वर्षा होती है। तो ये तो था अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के जो है इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं वो भी बता देती हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन, नंबर वन दिया हुआ है, एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू एग्रीकल्चर प्लांट एंड एनिमल। मतलब जो एग्रीकल्चर हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनमें सब में ही एसिड रेन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए भी, जो फसल होती है वो भी ख़राब हो जाती है अगर एसिड रेन होती है, और एनिमल्स पे भी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो हो जाती हैं। इट कॉजेज़ रेस्पिरेटरी इशूज़ इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मतलब जो जानवर है, ह्यूमंस है, उनमें जो है श्वसन की दिक्कतें हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उनका वो दिक्कत करने लगता है। एसिड रेन ऑल्सो कॉजेज द कोरोजन ऑफ वाटर पाइप। मतलब एसिड रेन होता है तो ये कोरोजन यानी कि संक्षारण जो होता है, कि जैसे लोहे में जंग लगना, वो एक कोरोजन की प्रोसेस है। तो ये क्या करते हैं, जो वाटर पाइप्स हैं या और भी कोई चीज़ अगर खुले में रखी हुई है, तो सब में ही ये एसिड रेन की वजह से कोरोजन होने लगता है। मतलब जंग लग के वो ख़राब होने लगते हैं। इट डैमेजेस द बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ मार्बल। मतलब जो मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल जो है, ताजमहल का पत्थर पीला पड़ गया है, वो किस वजह से, वो एसिड रेन होने की वजह से ही पड़ गया है। तो क्योंकि वो एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो पॉल्यूटेंट्स मिलके एसिड के साथ मिल वो वाटर के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है जब बारिश होती है तो वाइट कलर का जो मार्बल है वो ख़राब हो गया है ताजमहल का। तो ये बिल्डिंग्स पे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं एसिड रेन की वजह से। तो ये तो थे इफ़ेक्ट एसिड रेन के। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।